तो फैन में हम क्या है, छोटे पेज थे इस मशीन से खुला नहीं, तो हम छोटा पेज का यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको भी हमने ओपन कर लिया। ये पेज, दो छोटे पेज थे। इसके बाद ये इसका यहाँ पे लॉक लगा है, तो इसको हम लॉक को ओपन करते हैं। ओके, और ये भी, ये लॉक भी हटा देते हैं इसको। ये, तो चलिए हम खोल के देखते हैं। तो ये फैन का तो कंडीशन ऐसा है, लेकिन ये देखिए आप कि पूरी की पूरी एयर जो है जाम हो रखी है। ध्यान से देखिए आप, जो लैपटॉप हीट कर रहा था चिमटी गाने, ये हीट है। और ये देखिए आप लोग, ये रजाई गद्दा आप इससे भरवा सकते हैं सर्दियों में, ये यहाँ पे जमा हुआ है। तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कि जो ये हीट सिंक, जो फैन जो है, हवा बाहर निकालना चाहिए, और इसके जो जितने भी छेद हैं, ये होल हैं, ये सारे के सारे जाम हो चुके हैं। इस वजह से जो है हवा, गर्म हवा बाहर नहीं निकल पा रही है, और लैपटॉप ओवर हीट कर रहा है। प्रॉब्लम समझ में आई? यस, प्रॉब्लम आई समझ में। ये ओवर हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब सारे के सारे होल जो है इसके जाम है, और एयर जो है वो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पा रही है, और फैन की पूरी वाट लगी अंदर से लेके बाहर तक। तो फोन को मैंने ऐसे निकाल लिया है, ठीक है, इसी वजह से कर रहा है। हाँ, तो जिसको रजाई गद्दा भरवाना सर्दियों के लिए, तो ये अपना रोई ले सकता है, ठीक है, कर लीजिए। अब नीचे गंदा हो जाएगा यार। चलो इसको क्या किया जाए, इसको फेंक के बाहर, इसमें नहीं रखें, इसमें रखेंगे। पहले तो हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए हम अपने पास ये होगा आईपी यहाँ रखा था, आईपी रूम में कॉटन का ही होगा। देखो चलो फिर, तो चलिए अब हम लोग फैन की रिपेयरिंग करते हैं, देखते हैं। एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, तो पहले फैन के अंदर से जो डस्ट है ये, इसको हम लोग निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने ये फैन को अंदर के पार्ट को हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया, जहाँ इसकी मोटर लगी है ये, ठीक है, इसके अंदर धूल मिट्टी आ गई थी। दूसरा पार्ट हम इस पे आते हैं, इसको भी साफ़ करने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। ये साफ हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें धूल मिट्टी अभी भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। देखिए है ये होल पे है, तो चलिए हम इसको इधर दिखाइए। इसको हम चाहे पानी से धुलें या कुछ भी करें, मतलब इसके जो होल है ना वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो हम यहाँ से आईपी का यूज़ कर रहे हैं, आईएसओ प्रोफाइल। हाँ, या एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैपटॉप रिपेयरिंग में पेट्रोल का यूज़ नहीं होता है, मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हो पेट्रोल, ठीक है। तो अगर आप देखिए ध्यान से, आप साफ हो चुका है, देखो सुनील साफ हुआ, आर पार दिख रहा है, दिख रहा है, दिखना चाहिए। चलो, तो ये हमारे हीट सिंक क्लियर हो गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये फैन को साफ करना है। फैन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, तो अब ये कॉटन तो हमारे काम की रही नहीं, तो अपन हम लोग ये वाली कॉटन यूज़ करेंगे। इस कॉटन को लिया, वही यार जो इंजेक्शन लगाया जाता है, लगाते हैं तो ऐसे कर ऊपर लगा दिया जाता है, तो वही ये ठंडा वाला स्प्रिट आईपी लगाया इस पर। और कंडीशन कैसी, सर्दियों में क्या होता है, आप लोग नहाते नहीं हो ना, नहीं नहीं नहाते हो ना, बस ओवर हॉलिंग कर लेते हो, गीला कपड़ा मार लेते हो, बालों पे हाथों पे हाथ आए हुए लगते हो। तो चलिए हम वही करने वाले हैं इसकी। देखिए इस तरीके से आपको को कुछ क्लीन करना है, देखिए गंदगी इसकी, ये इसके बीच में जो है, ये जितना भी चीज़ें हैं ये इस तरीके से साफ करना है, ऐसे फैन पे, क्योंकि फैन के अंदर जो है डस्ट जमा है। देखिए पूरा ब्लैक हो गया। ओके, सब हो गया इतना गंदा। इसके बाद फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। फुल प्रोसेस है, आप देखिए यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा, ये दन बोलेगा लैपटॉप एकदम। लोग करते हैं क्या ना, कि फ्री में चीज़ मिली है तो इसकी केयर नहीं करते हैं, करते हैं केयर नहीं करते हैं भाई। मुलायम सिंह ने बांट दी है, चलने तो जब तक चलने, तो मर जाएगी जब प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ कर लिया है, ठीक है।
इसकी जो फैन के पंखे हैं वो क्लियरली साफ़ हो चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको दो बूंद चाहिए जिंदगी के, मतलब पल्स पोलियो अभियान चलाना है, पता है नहीं, नहीं पता है, दो बूंद जिंदगी के। तो मेरे पास ये है दो बूंद जिंदगी के, इसमें क्या है चलिए देख लेते हैं, दो बूंद ही चाहिए हमको। मोटरसाइकिल में क्या यूज होता है, मोवी आयल, वही मोवी आयल आपको दो बूंद डालना है, कहाँ पे, इसके पॉइंट पे, एक और दो। पोलियो की दवा हो गई, हो गई, चलो हो जाने दो, इसको साफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए। भाई आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप फैन को चेंज करते या हमारा काम रिपेयरिंग का है तो हम रिपेयर कर सकते हैं। अब इसको इस पर हमने लगा लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा, चलो ओके। अब आते हैं हम इसके फैन में जो है साफ किया था, चलो फिर से कर लेते हैं और इसको ऐसे करके इसके लॉक लगा देते हैं। लॉक लग गया दोनों तरफ से, छोटे वाले पेज थे इसके ना, ओके, ये भी जम हो गया, अंदर जैक चला गया। आजा भाई, तुमको कहाँ जाने की जरूरत है, छोटे वाले पेज लगाते हैं, ठीक हो गया ये फैन, क्लियर, इतना काम हमारा हो गया। अब अपने को क्या करना है, इस पर लगाना है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि थर्मल पेस्ट जो होता है, कूलिंग पेस्ट, ये इसका सूख चुका है, तो इसके लिए अपन को इधर से डब्बा उठाओ, तो अगर नहीं चलता तो मेरे पास यहाँ पर एक ये थर्मल पेस्ट यानी इंजेक्शन, डॉक्टर हैं लैपटॉप के, तो इंजेक्शन तो बनता है कि नहीं बनता है, क्यों बनता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन अपने पास है, ये फैन है और ये थर्मल पैड, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे फैन भी है, अपने को आवश्यकता किसकी है, इंजेक्शन की है, इंजेक्शन से काम बनेगा इसका, क्रिटिकल ज़्यादा है, मतलब मरीज जो है पेशेंट ज़्यादा गंभीर है, नहीं है, तो हम ये देखो सीपीयू के ऊपर थर्मल पेस्ट लगाने वाले, देखिए आप ये किस तरीके का जो है गीला है, और उस टाइम पर जो हमने लोगों ने यहाँ से निकाला था वो कैसा था, तो हमने यहाँ पर थर्मल पेस्ट लगा दिया है, ठीक है, ओके, और इसको हम बंद करके अलग कर लेते हैं अपने पास। आप सिंपली सीपीयू बुलाते हैं इस तरीके से, ये है, और पीछे इसका बैक सिरे में ये लगा देते हैं, ओके,